हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। सो बीएड सेकंड ईयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का तो अब फ्यू डेज रह गए हैं, तो हमारी अभी जो नॉलेज एंड करिकुलम की सीरीज चल रही है एमसीक्यू की, मैं 6 सेशंस आपको मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी कुछ डिफरेंट यूनिट से। तो आज के हमारी जो यूनिट चल रही थी इससे पहले वाले सेशन में वो थी यूनिट 2, तो इसके अंदर भी हम यूनिट 2 से ही कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसके अंदर। अब इससे आपको एक और सेशन मिलने वाला है एमसीक्यू यूनिट 2 से ही, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो आपको क्योंकि यूनिट 2 बहुत बड़ी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ उसमें लर्निंग टर्म्स हैं तो वो आपको करनी है उसके अंदर से, तो मैंने थोड़े थोड़े एमसीक्यूज आपको हर सेशन में इस यूनिट से मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। और इसका हम जल्दी ही, जो मैंने आपको आइडिया दिया था कि हम बुक से स्टडी करेंगे लाइव सेशन, तो जल्दी मैं कंडक्ट करने वाली हूँ, या कल या परसों तक हो जाएगा, तो वेट करिए उसके लिए प्लीज़। पर ऐसे ही आपको एमसीक्यू सेशंस मिलते रहेंगे। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर कॉग्निटिव एक्टिविटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय एन एडल्ट व्हेन द चाइल्ड एंड एडल्ट आर परफॉर्मिंग द टास्क। इसके अंदर ये पूछा गया है कि एक ये कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक चाइल्ड और एडल्ट कुछ टास्क को परफॉर्म करते हैं, और इसमें जो एडल्ट होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है कॉग्निटिव सपोर्ट, प्रोवाइड करता है कॉग्निटिव एक्टिविटी के लिए। तो कॉग्निटिव आपका संज्ञानात्मक किससे है रिलेटेड, आपके माइंड से रिलेटेड है, तो उसके अंदर जब वो आपको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो उसको, उस टर्म को क्या बोला गया है ये आपको बताना है। इसके अंदर उसको क्या बोला गया है, ए कोचिंग, बी स्केफोल्डिंग, सी मॉडलिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स हैं, आपको वो पता होनी चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है और आपको किस से कौन सा कीवर्ड ध्यान रखना है अगर वो आता है। तो बताइए फिर इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, कि कोचिंग होगा, स्केफोल्डिंग होगा, मॉडलिंग होगा, या फिर सारे ही ठीक है, ये सारे ही इंटर रिलेटेड हैं, ये आपको बताना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी स्केफोल्डिंग। स्केफोल्डिंग को हमने आपने पढ़ा होगा वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंदर, जो सोशो कल्चर थ्योरी है उसकी, उसके अंदर ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, स्केफोल्डिंग एंड उसका है अदर मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसके अंदर क्या है, आपको स्केफोल्डिंग की जो एक टर्म है वो क्या बताती है, कि जिसके अंदर जैसे सपोज एक स्टूडेंट है उसको पढ़ना है, अब कुछ कॉन्सेप्ट उसको समझ नहीं आए हैं बुक में से, तो वो क्या करेगा, ट्यूशन टीचर लगाता है वो, तो टीचर क्या करती है उसको, जो कॉन्सेप्ट उसको समझ नहीं आए हैं तो उसको वो हेल्प करती है उसके अंदर, जिससे कि जो उसका एक दायरा है जो उसको खुद से समझ आए वो उससे बाहर निकल पाए, और जो जितना उसको समझना चाहिए एक हेल्प से वो वहाँ तक अपने लेवल तक पहुँच पाए। तो अगर टीचर उसको हेल्प करेगी तो जो उसका जिस दायरे में वो था उस दायरे से वो थोड़ा सा बाहर निकल कर जितना उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है वो वहाँ तक उसको पहुँचाएगी। तो उसको बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग, जब एक मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है आपको आगे बढ़ने में, अपने जोन तक पहुंचने में, उसको बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नॉलेज विच वी गेट फ्रॉम रीडिंग अ टेक्स्ट इज कॉल्ड। तो कौन सी नॉलेज है वो जिसके अंदर आपको एक टेक्स्ट को पढ़ के, एक रीड कर कर आपको नॉलेज मिलती है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए थे तो उससे रिलेटेड है, आप बताइए कौन सा होगा, ए बुक नॉलेज होगा वो, बी टेक्स्चुअल नॉलेज होगा, सी प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, या फिर डी सारे ही बिल्कुल ठीक है। इसमें से जल्दी से बताइए मुझे कि क्या आंसर होगा, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हैं इन एमसीक्यूज के साथ अपने कुछ थ्योरी भी पढ़ रहे हैं तो ही आपको समझ में आएगा, और अगर आप सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उसको याद करना पड़ेगा। तो जो उसका करेक्ट आंसर है कि आपको ने एक बुक में से कुछ एक टेक्स्ट को रीड किया और उससे आपने नॉलेज ली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्चुअल नॉलेज उसको बोलते हैं। एक मैंने बताया था कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो हमने प्रीवियस लेसन में किया था, और ये है हमारा टेक्स्चुअल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, इनमें से कौन सा एक मिनिएचर है सोसाइटी का, ए होम, बी स्कूल, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो उसमें से बताइए कि कौन सा मिनिएचर है सोसाइटी का, कि मतलब कि एक अगर हम देखें कि छोटे रूप में सोसाइटी हम किसे कह सकते हैं, घर को कह सकते हैं, स्कूल को कह सकते हैं, या फिर दोनों ही ऑप्शन ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। इसके बारे में हमने बहुत बार बात करी है, अब तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा स्कूल,
क्योंकि स्कूल के अंदर डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, एक जैसे ही कि सोसाइटी में भी एक डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, उसके अंदर सबके अपनी लैंग्वेज होती है, सबके अपने ट्रेडिशंस होते हैं, तो वैसे ही स्कूल के अंदर होता है कि डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं और वो पढ़ते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो वो एक स्कूल क्या है, एक मिनिएचर, एक छोटा फॉर्म है किसका, सोसाइटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर बोथ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, इनमें से कौन सी एजेंसीज हैं एजुकेशन के लिए, इट मीन्स कि शिक्षा के लिए कौन सी एजेंसीज हैं, आपको बतानी है, स्कूल और होम, स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल या कल्चर, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो बताइए, ये भी बहुत ईजी है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा है तो ये भी आपको आता होगा बिल्कुल, कि कौन सी एजेंसीज हैं किसके लिए, एजुकेशन के लिए, आपको शिक्षा कहाँ से मिलती है ये आपको बताना है। स्कूल तो देखो है ही डेफिनेटली बिल्कुल, कि यहाँ पर अब दो ऑप्शन जा रहे हैं ए एंड बी, स्कूल जिसमें आ रहा है, तो हम सी ओ डी को तो निगलेक्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर दिया हमने स्कूल। अब क्या घर से मिलेगी या सोसाइटी से, कि एजेंसी पूछा है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल सही लेंगे, तो वो है हमारा स्कूल एंड सोसाइटी, ये दोनों ही एजेंसीज हैं किसकी, एजुकेशन की, कि जहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, जहाँ से हमें सीखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंक्लूड्स ऑल दोज मैन मेड थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स विच ह्यूमन सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड फॉर इट्स फिजिकल वेलफेयर। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंक्लूड करता है, कि जो उन सभी मनुष्य ने ऐसी चीज़ें और वस्तुएं शामिल की हैं जो मानव समाज ने अपने भौतिक कल्याण के लिए बनाई हैं, तो वो कौन सी है, उसको हम, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, ए नॉन मटीरियल कल्चर, बी मटीरियल कल्चर, सी कल्चर, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें बताइए कि वो सिर्फ जो, जैसे कि मैन, सारे ही मैन मेड के ह्यूमन बींग्स के लिए उनके लिए चीज़ें बनाई हैं और उनको जैसे वो यूज़ कर सकते हैं फिजिकल वेलफेयर के लिए, तो उसमें से आप क्या होगा। अब देखिए, नॉन मटेरियल तो अलग बात हो गई है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स ही नहीं आते हैं, कल्चर हमारा डिफरेंट होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर बिल्कुल जाएगा वो है हमारा बी मटीरियल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंक्लूड्स ऑल दोज आइडियल्स एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज विच मॉडिफाई द बिहेवियर ऑन द ऑफ एन इंडिविजुअल, इनमें से कौन सी टर्म इंक्लूड करती है, जो सिर्फ जो सारे ही आइडियल्स एटीट्यूड्स वैल्यूज़ को मॉडिफाई करने में, जैसे कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर इन सब चीज़ों से मॉडिफाई होता है, तो उसको हम उस टर्म को क्या कहेंगे, मटीरियल कल्चर कहेंगे, नॉन मटीरियल कहेंगे, या दोनों ही कहेंगे, या फिर कोई भी नहीं कहेंगे। तो जल्दी से बताइए कि इसका क्या होगा। अब हमने पढ़ा इसे प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो मटेरियल कल्चर होता है उसके अंदर मैनमेड थिंग्स आती हैं जो कि यूज़ के लिए होती हैं, पर अगर हम देखें जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, उसके अंदर क्या हो गया, एटीट्यूड बिहेवियर जो क्वालिटीज़ हो गई हैं वो एक बिहेवियर को चेंज करती हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन मटीरियल कल्चर बोलते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, नॉन मटीरियल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, इनमें से किस टर्म को बोला गया है कि एक लॉजिकल इंक्वायरी है, जो मतलब वास्तविकता में प्रकृति की एक तर्कीक जांच है, तो कौन सी टर्म है वो, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, दोनों है, कोई भी नहीं है। तो आपको जो मेनली है वो ए और बी में से चूज़ करना है, कि अगर दोनों ही ऑप्शन है तो सी पे जाएंगे हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं या फिर फिलॉसफी बोलते हैं। तो इसका साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट टर्म होता है, आपके माइंड से रिलेटेड होता है, कुछ कॉग्निटिव टर्म्स होता है, कि हर जने की अपनी एक साइकोलॉजी होती है जिसको चीज़ों को देखने की, उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजी। बट फिलॉसफी क्या होता है, जब हम नेचर से, रियलिटी से हम क्या करते हैं, उसके अंदर इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे बना, ये अगर ये हमारा जैसे कि स्टार्स टूटते हैं तो यहाँ पर वो कैसे होता है, कि यहाँ पर सारी चीज़ जब मतलब कि हमें जिस चीज़ की खोज निकालनी है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलॉसफी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, फिलॉसफी। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिलॉसफी, अब कौन कौन से टाइप्स हैं फिलॉसफी के, ये आपको बताने हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, या फिर सारे ही ऑल ऑफ द अबव हैं। तो अगर आपने बुक में से पढ़ा हो कि कुछ टाइप्स हैं फिलॉसफी के, वो कौन कौन से हैं, तो आप बताइए मुझे कौन सा इसमें से टाइप है, या फिर सारे ही हैं, या फिर कोई भी नहीं है, तो बताइए कि कौन सा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव, सारे ही ये टाइप्स हैं फिलॉसफी के, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, तीनों ही हमारे क्या हैं, टाइप्स हैं फिलॉसफी के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द रियलिटी इज कॉल्ड. जो प्रॉब्लम हमारी किससे रिलेटेड होती है, नेचर ऑफ रियलिटी से, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी या फिलॉसफी. अभी आपने पढ़ा होगा एक टर्म, हमने भी क्वेश्चन किया लास्ट टू लास्ट, जिसके अंदर था फिलॉसफी आंसर था उसका, उसके अंदर भी यही कुछ टर्म थे. हम देख लेते हैं. देखिए, लॉजिकल इंक्वायरी इन द नेचर ऑफ रियलिटी. अब यहाँ पर आप नेचर ऑफ रियलिटी आपने देख लिया है टर्म, बट आप देख रहे हैं कि उसके अंदर लॉजिकल इंक्वायरी करना कि अगर ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये चीज़ क्वेश्चन पुट अप करना, उसको बोलते हैं हम फिलॉसफी. बट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नेचर ऑफ रियलिटी, कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब किससे रिलेटेड है वो प्रॉब्लम, नेचर ऑफ रियलिटी से, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है वो हैं फिलॉसफी के टाइप से. तो अब आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. उसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स. क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स. कि जब हमें प्रॉब्लम रिलेटेड किससे हो, रियलिटी से, नेचर से हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफिजिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाफिजिक्स आर देयर. अब मेटाफिजिक्स के भी टाइप हैं, फिलॉसफी के टाइप्स हैं, फिलॉसफी के बाद टाइप्स के भी टाइप्स हैं, तो ये आपको बताना है कि मेटाफिजिक्स कितने टाइप का है. तो उसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा वो है 5. मेटाफिजिक्स 5 टाइप्स का है. नेक्स्ट, ऑन्टोलॉजी इज अ टाइप ऑफ. अब जो ऑन्टोलॉजी है ये किसका टाइप है, मेटाफिजिक्स का, एपिस्टेमोलॉजी का, एक्सियोलॉजी या फिलॉसफी का, ये आप बताओ. क्योंकि अब इसमें से आप जैसे कि फिलॉसफी के टाइप्स हमने पढ़े थे, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, अब इनके भी जो टाइप्स हैं उनमें से आता है ऑन्टोलॉजी. तो आपको बताना है ये, आप ध्यान रख लेना कि मेटाफिजिक्स के 5 टाइप्स हैं, एपिस्टेमोलॉजी के भी टाइप्स हैं, तो ये आप पढ़ लेना कि कौन सा टाइप किस में है. आ सकता है मे बी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो आप एक बार गो थ्रू उस सब्जेक्ट को ज़रूर कीजिएगा. इस टॉपिक को तो मेनली आप कर ही लीजिएगा. तो ऑन्टोलॉजी किसका टाइप है हमारा, मेटाफिजिक्स का टाइप है. तो इसके आगे भी हम पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं. द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद नॉलेज इज नोन एज. अब इसमें पूछा गया है कि एक फिलॉसफी की ब्रांच है. फिलॉसफी की कौन सी ब्रांच थी हमारी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी, 3 थी फिलॉसफी की ब्रांचेस. ये उसमें से भी उसकी ब्रांच है. ये किसकी ब्रांचेस में पूछा गया है, विच डील्स विद नॉलेज, जो सिर्फ किससे करती है, डील करती है किससे, हमारी शिक्षा से, इस नोन एज. बताइए जल्दी से कि ये नॉलेज का पूछा गया है कि जो कि एक फिलॉसफी की ब्रांच नॉलेज से डील करती है, उसको हम क्या बोलते हैं. तो उसको बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा एपिस्टेमोलॉजी. किससे जाएगा करेक्ट आंसर, एपिस्टेमोलॉजी से. हमने क्या पढ़ा, मेटाफिजिक्स पढ़ा कि जो रियलिटी में, मतलब कि जो नेचर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, मेटाफिजिक्स. एंड जो हमारे फिलॉसफी किससे डील करती है, नॉलेज से डील करती है, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी. द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यूज इन लाइफ. जो लाइफ के अंदर मतलब प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, वैल्यूज से रिलेटेड होती है, उनसे डील करती है, उसको हम क्या बोलते हैं. कॉस्मोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी, उसको बताइए कि क्या बोलेंगे. तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है एक्सियोलॉजी. अब हमने फिलॉसफी के 3 टाइप्स पढ़े थे, मेटाफिजिक्स, आपको ध्यान ही हो गए होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, तीनों ही टर्म यहाँ पे हमने कवर करी हैं. कि एक्सियोलॉजी क्या है, जब हमारी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड हो, वैल्यूज इन लाइफ. और हमने जो पढ़ी थी अभी एपिस्टेमोलॉजी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉलेज, जो हमें मतलब कि नॉलेज प्रोवाइड करती है, उससे रिलेटेड जो डील्स करती है, डील करती है. और हमारा जो नेचर ऑफ रियलिटी से होती है कुछ प्रॉब्लम्स, होती है हमारी मेटाफिजिक्स. नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोसेस एंड डैश इज अ प्रोडक्ट. इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस है और कौन सा प्रोडक्ट है. एजुकेशन फिलॉसफी, फिलॉसफी एजुकेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस पहले है और कौन सा प्रोडक्ट है. तो उसमें से आप कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से सोचिए कि कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा प्रोसेस है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्या दोनों ही होंगे या फिर इनमें से ऊपर में से एक होगा. तो देखिए, अब इसमें से दोनों टर्म अलग अलग लिखे हैं, तो मतलब इसका कुछ मीनिंग है. अब यहाँ पर सी तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रही है ए और बी में. डी भी हम हटा देते हैं. ए और बी को आप ध्यान से देखिए कि एजुकेशन एक प्रोसेस है या प्रोडक्ट है, या फिर फिलॉसफी एक प्रोसेस है या फिर वो प्रोडक्ट है. तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ए,
कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, एक प्रोसेस है, पर जो फिलॉसफी है वो क्या है, प्रोडक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, समख्या मीन्स, संख्या मीन्स द फिलॉसफी ऑफ, बताइए इसका क्या राइट आंसर है, किसका फिलॉसफी है, राइट नॉलेज, ट्रू नॉलेज, फॉल्स नॉलेज, ए एंड बी। इसको हम किस फिलॉसफी के अंदर डालेंगे, फिलॉसफी के अंदर कि राइट नॉलेज के अंदर, सही ज्ञान के अंदर, सच्चा ज्ञान के अंदर, झूठी जानकारी के अंदर, या फिर ए और बी करेक्ट हैं कि सही भी है और झूठी भी है। डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत बता रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है राइट नॉलेज, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, बट राइट नॉलेज। सो गाइज, दीज आर द 15 क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2 ऑफ नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट। तो ये हमारा है MCQ सीरीज पार्ट 7। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आज ही आपको एक 8B करा दूंगी, जिससे कि आपकी इस पेपर की तैयारी जल्दी से ख़त्म हो जाए, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पे भी फोकस कर पाएँ। तो जो भी, जिन भी लोगों को हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पैरिंग टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको ज़रूर हर जगह फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह। फेसबुक पे जो पेज है मेरा सीरियल एस्पिरेंट के नेम से है, इंस्टाग्राम पे एस्पायरिंग टीचर्स, एंड टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो एस्पायरिंग टीचर्स के नेम से आप लिखिए, आपको मिल जाएगा। और अगर इन सब PDF का चाहिए, मुझे आपको PDF चाहिए, तो मैं जल्दी ही टेलीग्राम पे अपडेट करने वाली हूँ। प्रीवियस लेसन्स की मैंने कुछ PDF दे चुकी हूँ और कुछ रह गई हैं, तो उसको भी मैं जल्दी से शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो जाए, और आपकी तो हेल्प कर ही रही हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं आउट ऑफ 15, क्योंकि आपका वो एक लेवल पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर पहुँच गए हैं या पहुँचते जा रहे हैं, आपने पहले कितने स्कोर किया था और अब कितना स्कोर आ रहा है आपका, और किस यूनिट से कितना आपको समझ में आ गया है। तो जिसको क्या वो आप गो थ्रू कर सकते हैं दोबारा से, अगर आपका स्कोर कम है तो आप ज़रूर, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।